हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद ममता। फ्रेंड्स, दीपावली की पूजा के बाद अक्सर खीले बच जाती हैं, तो उनका हम क्या करें। आज मैं इन्हीं खीलों की इजी एंड क्विक रेसिपी बनाऊंगी। इन्हें आप छोटी छोटी भूख लगने पर क्विकली बना सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स के लिए भी ये एक गुड ऑप्शन है। खील स्नैक्स की ये रेसिपी यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए बनाना शुरू करते हैं खील स्नैक्स। ये 2 कप खील लेकर इसको हमने छान लिया है और इसमें खील में अक्सर इस तरह का छिलका होता है, इसको हमने अलग कर दिया है। अब खील में हम पानी डालकर इस तरह से इसमें पानी डाल देंगे और इसको बस अब ड्रेन कर देंगे। एक छन्नी में डालकर इसको ड्रेन कर देंगे। खील का पानी हमने ड्रेन कर दिया है और इसको एक छन्नी में डाल दिया है और ये सब बाकी की सामग्री है जो कि हम इसमें यूज करेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखकर इसको गर्म करेंगे और 2 टीस्पून ऑयल इसमें डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम 1/2 टीस्पून राई डाल देंगे। ये 1/2 टीस्पून राई हमने इसमें डाल दी है और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर भी इसमें डाल देंगे। इसको चलाएंगे और इसमें ये 1 चम्मच अदरक बारीक कटी हुई डाल देंगे और एक ये हरी मिर्च है, इसको भी हमने बारीक काटा है, ये भी इसमें डाल देंगे। और एक मीडियम प्याज है जिसको हमने बारीक लच्छे काट लिए हैं, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फ्लेम लो कर देंगे। प्याज को थोड़ा सा हम भून लेंगे। ये प्याज को सॉटे कर लिया है। अब इसमें हम ये एक मीडियम साइज का आलू उबला हुआ है, इसको हमने बारीक क्यूब्स में काट कर इसमें डाल दिया है और इसको भी हम मिक्स करेंगे और चलाएंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर है, इसको हमने बारीक काटा है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून सॉल्ट इसमें डाल देंगे। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी सॉल्ट डाल सकते हैं और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आंच तेज करके इसको भूनेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे और बस इसको चलाएंगे। ये टमाटर की अच्छी तरह भुन जाने पर खील इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्के हाथ से चला लेंगे। खील को हमें बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है वरना ये टूट जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। और इसमें थोड़ा सा धनिया और डाल देंगे और इसको मिक्स करके एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। खील स्नैक तैयार है और इसे आप शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। आप इसे बनाएं और पसंद आने पर इसे लाइक करें, रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। बाय।